डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ रे एकेडमी। और हम लोग अभी कर रहे हैं अकाउंटिंग थ्योरीज, कैश बुक के थ्योरी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कर रहे हैं सिंपल कैश बुक और सिंगल कलम कैश बुक। कैश बुक में एक ही कलम होगा, वो होगा सिंगल कलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। तो नाउ यू कैन सी, तो जब भी हम लोग सीखते हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ टू प्रिपेयर इट, क्योंकि आपको बताया था अकाउंट्स हैज सम फंडामेंटल मेथड्स, तो ये है ए सिंपल कैश बुक और सिंगल कलम कैश बुक। एक ही कलम होता है, इट इज जस्ट लाइक ए लेजर। ए सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट विथ वन अकाउंट कॉलम इन ईच साइड। लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स द रिसीप्ट ऑफ कैश, लेफ्ट हैंड साइड में रिसीप्ट ऑफ कैश, एंड राइट हैंड साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट्स, पेमेंट्स ऑफ कैश। द रूलिंग्स आर एज फॉलोज। इन द कॉलम फॉर फर्स्ट कॉलम, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टाइप का होता है, फर्स्ट में होता है डेट। फर्स्ट कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड का बताता हूँ, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटेन। फर्स्ट में जो डेट का ट्रांजेक्शन है उसका लिखते हैं। सेकेंड में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कॉलम में द नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेमेंट हैज बीन मेड इज रिटेन। डेबिट साइड में कैश हैज बीन रिसीव्ड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट। इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैश बुक स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रिटेन ऑन द रिसीव्ड साइड एज ए टू बैलेंस बीडी। अगर पुराना बिजनेस है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, नया बिजनेस है टू कैश अकाउंट इन द डेबिट साइड। एंड ए न्यू बिजनेस विल हैव नो ओपनिंग, विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। न्यू बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अगर पुराना बिजनेस है उसके जगह पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रेट डाउन, ये लिखेंगे। देन वाउचर कॉलम, वन टू के बाद ये होता है डेट कॉलम, ये होते हैं पर्टिकुलर्स, और ये होते हैं आपके वाउचर, वाउचर नंबर और वी नंबर। क्योंकि स्पेस अगर ज्यादा ले जाते हैं तो वाउचर नंबर लिखोगे तो इतना बड़ा बड़ा स्पेस ले लेगा, अगर वी नंबर लिखोगे तो दैट विल ऑल्सो डू वाउचर नंबर। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर, जैसे कैश रिसीट, और ओनली आपको कुछ भी बोलो, एक पेमेंट स्लिप और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसके अंदर जो भी होगा वाउचर, कैश वाउचर और पे इन स्लिप कुछ होगा तो उसके दैट इज कॉल्ड ए वाउचर। तो ये वाउचर को वी नंबर लिखने में चलेगा। द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर, तो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका सपोर्टिंग वाउचर का नंबर होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश वाउचर्स, रिसीव्ड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। जनरली ए वाउचर हैज ए सीरियल नंबर व्हिच इज रिटन ऑन दिस कॉलम, हर वाउचर का एक सीरियल नंबर होता है, तो उसको सीरियल नंबर को कॉलम में लिख देते हैं। तो ये होता है रिसीव्ड वाउचर, पेमेंट वाउचर और पे इन स्लिप, जिसमें कैश का पेमेंट और रिसीट का हिसाब होगा। देन कम्स योर फोर्थ वन, दैट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है LF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको LF ही लिखना है। इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर इन द लेजर व्हेयर द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड इन द अकाउंट। ये कहां से आया, ये जो अकाउंट जिसको हम पोस्ट कर रहे हैं उसका लेजर फोलियो का नंबर लिखेंगे। एंड देन इन द फिफ्थ वन विल बी राइटिंग द लास्ट कॉलम, विल बी राइटिंग द अमाउंट। डेबिट साइड में ये पांचों कॉलम होगा, क्रेडिट साइड में ये पांचों कॉलम होगा अमाउंट। The amounts realized are written on the debit side and the amount paid are written on the credit side. दोनों साइड में लिखते हैं, तो पांच कॉलम डेबिट साइड, पांच कॉलम क्रेडिट साइड, दिस इज कॉल्ड योर कैश बुक। तो ये कैश बुक का ये होता है फॉर्मेट, लेजर फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज में देखो बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल कॉलम कैश बुक, ये सिंगल कॉलम कैश बुक को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ये कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर अकाउंट, जैसे नॉर्मल लेजर होता है वैसे। द रिसीव्ड कॉलम इज ऑलवेज बिगर देन द पेमेंट्स कॉलम, रिसीव्ड साइड कैश बुक का हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए पे करोगे, नहीं तो 98 पे करोगे, नहीं तो 97 पे करोगे, नहीं तो 5 रुपए पे करोगे, यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट यू हैव। तो रिसीव्ड साइड में 100 रुपए रिसीव किया तो 100 रुपए पेमेंट कर सकते हो। कैश बुक का बैलेंस 0 हो सकता है या प्लस हो सकता है, डेबिट बैलेंस, माइनस बैलेंस होगा नहीं, नीचे लिखा है। The difference is written on the credit side as buy balance carried down. ये buy लिखना compulsory नहीं है, but आप लिख सकते हो, ये तो balance CD लिखोगे। The totals are then entered in the two columns opposite one another, and then on the debit side
बैलेंस इज रिटन एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मंथ का एंड में लिखेंगे बाय बैलेंस रेडी और उसको डेबिट साइड में ले आएंगे क्रेडिट साइड से और लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू शो द कैश बैलेंस इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, जो आने वाले पीरियड के लिए। सपोज ये January 31, 2019 है, हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन इन द क्रेडिट साइड। सपोज 5 रुपए आया, वो 5 रुपए को नेक्स्ट पीरियड में 1 फरवरी 2019 में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज इट इज ए डेबिट बैलेंस। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बताया जाएगा कि कैश बुक कैनॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस होता नहीं है। कैश कॉलम इन द कैश बुक कैनॉट शो ए क्रेडिट बैलेंस बिकॉज कैश पेमेंट्स कैनॉट एक्सीड कैश रिसीट्स, एट बेस्ट इट कैन शो नील बैलेंस व्हेन टोटल कैश रिसीट्स आर इक्वल टू टोटल कैश पेमेंट्स। जब सपोज आपके पास 100 रुपए है या 10,000 रुपए है, यू कैनॉट पे मोर देन 10,000। तो इसलिए कैश बुक का इधर पूरा 10,000 पेमेंट कर सकते हो और या 10,000 से कम पेमेंट करोगे। 10,000 से कम पेमेंट करोगे तो यू विल हैव ए डेबिट बैलेंस, अगर 10,000 पेमेंट करोगे तो यू विल हैव ए नील बैलेंस। तो कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में हमारा बैलेंस कभी माइनस में या क्रेडिट बैलेंस में नहीं जा सकता। कैश इज एन एसेट और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देन द लास्ट वन विल बी सम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सिंपल कैश बुक और सिंगल कलम कैश बुक। उसका एक कुछ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड ए कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। कैश बुक इज कैश अकाउंट, तो इसलिए लेजर में कैश अकाउंट आप बनाओगे नहीं, कैश बुक बोलोगे इसको। यू विल बी टेलिंग दो कैश अकाउंट और कैश बुक में कोई डिफरेंस होता नहीं, बट उसको कैश अकाउंट बोलोगे लेजर में और यहाँ पे कैश बुक बना बोलोगे। कैश बुक, कैश बुक इज बैलेंस्ड जस्ट लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड लिखते नहीं है। चेक्स रिसीव्ड एंड गिवन, जो चेक मिलता है और जिसको हम ये एक तो क्या नॉन कैश ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड एंड चेक पेमेंट्स एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, जो कैश डिस्काउंट हमने दिए और लिए, ये तीनों चीजें हो सकता है। व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द लेजर। जो कैश बुक में एक एंट्री आप लिखोगे तो दूसरा डेफिनेटली आप उसको लेजर पे पोस्टिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो डेबिट साइड में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, और जो सेल्स अकाउंट बनाओगे, सेल्स का अकाउंट बनेगा, उसमें लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बिकॉज जर्नल को डायरेक्ट कैश बुक और कैश बुक में लिखेंगे तो जो नेक्स्ट हाफ उसका, तो उसको हम सेल्स अकाउंट में लिख देंगे। कैश बुक ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था। कैश बुक हमेशा आइदर डेबिट बैलेंस दिखाएगा और जीरो बैलेंस दिखाएगा, नील बैलेंस और जीरो बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों। इट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। कैश इन हैंड, दैट इज बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। आपके पास जितने पैसे है और कैश जितना रिसीव हो रहा है, ये टोटल मिलाकर ये क्लोजिंग बैलेंस ये टोटल पेमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। एट बेस्ट यू कैन पे ऑल, तो जीरो बैलेंस होगा और बैलेंसिंग नहीं होगा, टोटलिंग हो जाएगा। अदरवाइज इट विल हैव ए डेबिट बैलेंस और जीरो बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होता नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया, और ऊपर से ये आपके सिंगल कॉलम कैश बुक को लिखने के लिए खाली जस्ट जो आपको लेजर में सिखाया मैंने कैश अकाउंट, यू जस्ट अकाउंट की जगह पे राइट डाउन कैश बुक, बस दैट इज ऑल। अकाउंट इज बुक, बाकी पोस्टिंग वगैरह एवरीथिंग जैसे लेजर पोस्टिंग होता है, इसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन पोस्टिंग होगा। और ये सिंगल सिंपल कैश बुक में डबल कॉलम में कैश एंड बैंक, कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट, डबल कॉलम में कैश और ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट कैश बैंक, तीनों कॉलम बनेगा। और पेटी कैश बुक में खाली कैश पेमेंट्स होता है उसके अंदर। तो मैं आपको चारों कैश बुक करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, तो इसीलिए बी रेडी फॉर दैट। तो आपके ये जो सब्सिडियरी बुक, कैश बुक इज ए सब्सिडियरी बुक और इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ये जो देखो दोबारा मैं आपको लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, ये जो कैश अकाउंट है, दिस इज कैश अकाउंट, ये अकाउंट को चेंज करो और इसके जगह पे लिख दो कैश बुक।
ये देखो अकाउंट की जगह पे राइट डाउन बुक, दिस इज ऑल अबाउट योर कैश, दिस इज ऑल अबाउट योर कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक आपका बन गया। कैश अकाउंट, कैश बुक इज नथिंग, इट इज ए कैश अकाउंट। अगर आप कैश बुक बनाओगे तो लेजर में आप कैश अकाउंट नहीं लिखोगे, इसका बैलेंस डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर मैंने आपको अच्छा समझाया, अच्छा पढ़ाया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने से आपके फ्रेंड्स भी आप पढ़ लेंगे, आपके यू कैन हेल्प अदर्स टू स्टडी। तो पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग।